दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर और स्लैशर मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद है तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ कमाल का वीडियो, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 हॉरर स्लैशर मूवीज के बारे में, जो हमारे रोंगटे खड़े कर देगी और दिमाग को सुन कर देगी। ये ऐसी मूवी है जो काफ़ी भयानक सीरियल किलर और खून खराबे से भरी मूवीज हैं। अगर आपको ये देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। सो आइए जान लेते हैं वो कौन सी टॉप 5 हॉरर स्लैशर मूवी होने वाली है। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 5, फ्राइडे द 13th। यह दोस्तों इस मूवी का नाम है फ्राइडे द 13th, जो कि काफ़ी भयानक मूवी है और इसके जेनर की बात करें तो काफ़ी भयंकर है, जैसे कि हॉरर है, स्लैशर को देखने को मिल जाता है, वायलेंस आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लडी सीन्स आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों। काफ़ी भयानक मूवी है और आपको बता दो ये दोस्तों ये सीरियल किलर टाइप बेस मूवी है, जिसमें इस सीरियल किलर का नाम है जैसन वुडरिज, जो कि भयानक जंगलों के बीच में रहता है। लेकिन सिंपल की स्टोरी लाइन ये है कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसके ठिकाने तक पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या लगता है दोस्तों उनमें से कोई बच पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको हिंदी में बिल्कुल मिल जाएगी और कहाँ मिलेगी आपको मैं लास्ट बताऊंगा, वो एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी मूवीज आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 4, हैचेट। ये दोस्तों इस मूवी का नाम हैचेट है और बात करें इस मूवी की तो सैम टू सैम ये भी सीरियल किलर टाइप बेस मूवी है और इस बार जो सीरियल किलर होने वाला है वो एक जायंट होने वाला है 7 फुट का, और जिसका मैन औजार है चैनसो, जिससे वो जो भी इसके सामने आता है उस चैनसो से उसका पूरा शरीर को चीर के रख देता है, फाड़ के रख देता है। काफ़ी ब्लडी सीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हॉरर स्लैशर थ्रिलर सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है। और आप देखिए इसके चेहरे को, लुक एट दिस फेस, व्हाट द हेल इज दिस फेस मैन। और हाँ दोस्तों, बात करें इस मूवी की लैंग्वेज की तो आपको सिर्फ इंग्लिश ऑडियो में ही आपको ये देखने को मिलेगी, हिंदी डब इसका नहीं किया गया है। नंबर 3, द ह्यूमन सेंटीपीड। यह दोस्तों मूवी का नाम द ह्यूमन सेंटीपीड है, काफ़ी साइकोलॉजिकल हॉरर टाइप की मूवी अगर इस मूवी की बात करें तो। और बात करें इस शख्स का चेहरा देखिए आप दोस्तों, ये एक मेंटल एक पागल डॉक्टर है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बहुत कुछ लोगों पर। यह क्या करता है, उन लोगों का किडनैप कर देता है और इंजेक्शन दे उनको बेस्ट कर देता है, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। और कैसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ये मैं नहीं बताऊँ, क्योंकि मूवी एक्सप्लोर हो सकती है, इसलिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अजीबोगरीब इसमें सीन दिखाए गए हैं, काफ़ी ब्लडी सीन्स भी हैं, इसलिए इसको नंबर 3 पे रखा गया है, एकदम साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी। नंबर 2, द ग्रीन इन्फर्नो। दोस्तों इस मूवी का नाम द ग्रीन इन्फर्नो है और बात करें इस मूवी की तो एक ऐसी कहानी जो कि आदिवासी कबीले वाले लोगों के बारे में है जिन्हें इंसानों का मांस खाना पसंद है, और कुछ ऐसे कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं और पहुंच जाते हैं इनकी बस्ती में, फिर उनके साथ क्या होगा और कौन बचेगा इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, इसमें काफ़ी ब्रूटली सीन्स है, ब्लडी सीन्स है, तो सोच समझ कर देख लीजिएगा। फाइनली नंबर 1 पे है टेरिफायर मूवी, और बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की तो एक प्रकार का सीरियल किलर टाइप बेस मूवी है और ये प्रकार का मेंटली जैसा लगता है, और इसकी स्माइल को देख सकते हैं आप और इसकी पोशाक को देख सकते हैं आप, इसी के बेस पे इसका नाम द क्लॉन रखा गया है। और ये काफ़ी खोखार किलर है दोस्तों, काफ़ी भयानक तरीके से ये कत्ल करता है, और इसको नंबर 1 का रखने का एक ही कारण है, इसके जितने ब्रूटल सीन्स इस मूवी के ब्लडी सीन्स एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। और दोस्तों ये मूवी बहुत सारे देशों में बैंड भी है, और हाँ दोस्तों ये मूवी केवल इंग्लिश ऑडियो में ही अवेलेबल है, क्योंकि ये मूवी इंडिया में बैंड है दोस्तों।
तो फ्रेंड्स ये थी टॉप 5 हॉरर स्लैशर मूवीज। तो इनमें से आपको सबसे बेस्ट मूवी कौन लगी, किसे आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी कमाल वीडियो के साथ। गुड बाय।